हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर रिकरिंग डेसिमल्स लेकर के आया हूँ। इस शॉर्ट ट्रिक में स्टूडेंट्स क्या जो है वो अप्लाई करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। रिमूव ऑल डेसिमल्स एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए जितना वर्क बोल रहा है वो करते जा रहे हैं साथ साथ। कह रहा है रिमूव ऑल डेसिमल, तो डेसिमल रिमूव कर दिए इसमें से। 2, 3, 5, 7 डेसिमल रिमूव कर दिया। रिमूव ऑल डेसिमल्स, सारे डेसिमल रिमूव कर दिया, डेसिमल रिमूव कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, ये जो नंबर आया इसे सब्ट्रैक्ट करें। विच हैज नो रिकरिंग डेसिमल, तो कौन रिकरिंग डेसिमल नहीं रख रहा है? देखें स्टूडेंट्स, ये 2 नहीं रख रहा है रिकरिंग डेसिमल, इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। देन डिवाइड बाई एज मैनी नाइन्स, एज मैनी डिजिट्स हैज रिकरिंग डेसिमल, तो रिकरिंग डेसिमल 3, 5, 7 को रिकरिंग है ये। तो देखें इतने ही 9 पुट कर दें, 3 नंबर्स को क्या करना है, ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो इनके लिए प्लेस पर हमने 9 कितनी बार लिख दिया, 3 टाइम्स लिख दिया। एंड एज मैनी जीरोज एज मैनी डिजिट्स हैज नो रिकरिंग डेसिमल आफ्टर डेसिमल। तो देखें स्टूडेंट, इस डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिकरिंग में ना इंक्लूड हो रहा हो, तो रिकरिंग में इंक्लूड हो रहा है तो कोई भी जीरो नहीं पुट किया जाएगा। और ये सल्यूशन हो गया 2, 3, 5, 5 upon 9, 9, 9 ये आंसर हो गया इसका। और यहाँ पर ऑप्शन देख लें आपका, ये बी ऑप्शन सही आ गया। तो स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चंस और ले रहा हूँ। मैंने कहा कि 0.2376, पहले तो मैं इसका आपको मतलब बता दूँ, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, चेंज इन फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं, इसका मीनिंग बता रहा हूँ पहले। 0.2376 इसका मीनिंग ये है, 0.2376 ये अप टू इन्फिनिटी टाइम्स क्या करा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका सलूशन क्या होगा, सॉल्व करके देखने की आवश्यकता नहीं है। 0.2376 ये सबसे पहले मैंने लिखा, देखिए ट्रिक में क्या लिखा है, रिमूव ऑल डेसिमल, डेसिमल रिमूव कर दिया मैंने, 2376 लिख दिया, माइनस एंड सब्ट्रैक्ट दिस नंबर विच हैज नो रिकरिंग डेसिमल। तो कौन सा नंबर रिकरिंग डेसिमल नहीं रख रहा है स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास में 2, 3 जो है वो रिकरिंग डेसिमल नहीं रख रहा है, तो 2, 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपॉन। देन डिवाइड बाय एज मैनी नाइन्स, एज मैनी डिजिट्स हैज रिकरिंग डेसिमल, तो दो रिकरिंग जो नंबर हैं वो 2 हैं, तो 2 9 रख देंगे।
फिर कह रहा है एज मैनी जीरोज एज मैनी डिजिट्स हैज नो रिकरिंग डेसिमल आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल ये टू डिजिट जो हैं वो रिकरिंग में इंक्लूड नहीं है, तो ये टू जीरोस क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पुट कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर लें, सिक्स में से थ्री माइनस किया, थ्री सेवन में से टू माइनस किया, फाइव थ्री टू नाइन नाइन जीरो जीरो, ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एट्टी सेवन पॉइंट फाइव को रिकरिंग करना है, तो क्या करना है इसका स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखते हैं। रिमूव डेसिमल, डेसिमल रिमूव कर दिया, 875 आया। माइनस वो नंबर कर दें जो रिकरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। रिकरिंग में कौन इंक्लूड नहीं हो रहा है, 87 अपॉन उतने 9 यूज करें जितने में रिकरिंग पार्ट में डिजिट्स हैं। तो इस रिकरिंग पार्ट में स्टूडेंट्स एक ही डिजिट है, तो 9। इसके बाद उतने जीरोज लगाएं जो डेसिमल के बाद वो नंबर जो रिकरिंग में इंक्लूड नहीं है। तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिकरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। 15 में से 7 माइनस किया 8, यहाँ पर 6, 16 में से 8 माइनस किया 8, 7 अपॉन 9। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, 87.5 बार, तो डेसिमल रिमूव करके नंबर के लिए लिख दीजिएगा, माइनस वो नंबर लिखना है जो डेसिमल में इंक्लूड नहीं, जो रिकरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो रिकरिंग में स्टूडेंट 87 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो 87 लिख दिया अपॉन उतने ही 9 लिखना है जितने रिकरिंग वाले पोर्शन में डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर रिकरिंग वाले पोर्शन में वन डिजिट है, 9 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिकरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो रिकरिंग के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिकरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।